आपको लास्ट वीडियो में भी मैं मिलवा चुकी हूँ इससे। तो आज हम लोग जा रहे हैं फैशन स्ट्रीट के लिए। तो इस वक्त हमें चर्चगेट में और सिबिन को बहुत तेज़ भूख लग रही है, जैसा कि शायद आप लोग जानते होंगे उसको बहुत तेज़ भूख लगती है इसके साथ तो इस वजह से हम लोग सबसे पहले सीसीटीवी में आए हुए, क्योंकि स्टेशन से निकलते ही हमें सीसीटीवी दिखाई दिया। तो यहाँ पर हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं फैशन स्ट्रीट के लिए और देखते हैं कि वहाँ पर हम क्या शॉपिंग कर सकते हैं। मुझे तो थोड़ा सा कम लेना है, सिबिन को कुछ शॉपिंग करनी है, तो फिर वहाँ के लिए निकलते हैं। तो अभी सबसे पहले हम तो कुछ खा लेते हैं। और हाँ, रास्ते में ये पूरा मुझे बड़बड़ाते हुए आया है, क्योंकि इसको मैं ट्रेन में लेके आई हूँ। बोलता है मुझे चलो ऑटो में चलते हैं। ऑटो चलती है क्या? नहीं चलती ना। और तो लेकिन हाँ, टैक्सी चलती है नो डाउट। पर मैंने सोचा चलो इसको ऑटो ट्रेन में लेके चलती हूँ, जल्दी पहुँच जाएंगे। आप लोग जानते हैं ना मुंबई का ट्रैफिक कैसा होता है। तो रास्ते भर में बड़बड़ाते हुए आया है और मैं रास्ते भर में ना मज़े लेते हुए आई। मैंने बोला ना तो मेरे ना हाथ की मसाज करो बैठ के, तो ये फुल टाइम फ्री में मसाज करवाया। हाँ, रास्ते भर में ना मैं इससे मसाज करवाते हुए आई हूँ अपने हाथ की। तो मुझे तो कोई पता ही नहीं चला ये कितनी जल्दी पहुँच गया। और रास्ते में ना पूरा टाइम हम ना अगले स्टेशन में उतर जाते हैं, टैक्सी पकड़ते। मैंने बोलती हूँ अरे हम उसको उतरने वाले हैं। करते करते पूरा 45 मिनट निकल गया और हम लोग व्यूअर्स को पता चल जाता है क्या, धूप है ना, बहुत धूप पड़ता है तो ज़्यादा आदत नहीं है इसलिए सब हो जाता है ना। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, ट्रैफिक बहुत है, जल्दी पहुँच जाएंगे, इसलिए मैं इसको ट्रेन में लेके आई हूँ। ये समझता नहीं है, इसको नहीं पता। अभी 7 बजे हम पहुँचते यहाँ पे, 6 बजे पहुँचते तो मैं कैसे व्लॉगिंग करती फिर मुझे? या तो फिर हम धूप में निकलते, मतलब आफ्टरनून में निकलते, तो आफ्टरनून में फिर निकलते कोई फ़ायदा नहीं। तो इस वजह से मैंने इसको सोचा कि चलो ट्रेन में लेके चलते हैं, 45 मिनट में कम से कम तो पहुँच ही जाएंगे। तो इस वजह से मैं इसको लेके आ गई ट्रेन में और ये रास्ते पर भी बड़बड़ाते हुए आया। सो फाइनली हम कॉफ़ी शॉप में हैं। सो शायद इसका कितना था? ये चर्चगेट स्टेशन के सामने है एक्चुअली सीसीटी, और ये फैशन स्ट्रीट के बाजू पास में ही है। मैं भी अकेले कभी फैशन स्ट्रीट गई नहीं हूँ, तो कितनी दूर है मुझे नहीं पता, बट इतना तो पता है कि कहीं आस पास है। और फिलहाल अभी आगे क्या होने वाला पता नहीं, एडवेंचरस टास्क अचानक के साथ अभी देखेंगे आगे क्या होता है। एक चीज़ मैं बता दूँ, इसको हिंदी बोलनी नहीं आती ठीक से, तो ये मुझे बोलता है, चलता है, जाता है, बोलता है, मतलब मुझे आगे जल्दी सीख लूँगा। मुझे फीमेल से मेल बना देता है, ये करता है, पर मैं भी समझ गई हूँ कि ये मुझे ही बुला रहा है, तो मैं समझ जाती हूँ। पर इसको हिंदी बोलनी नहीं आती है बिल्कुल, मतलब समझता है और आ करता रहता है, जब देखो तो आए, लेकिन समझ जाता है फाइनली। इसको मैं गाली नहीं दे सकती हूँ क्योंकि वो गालियाँ बहुत अच्छी तरह से समझता है। खैर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, हम लोग कुछ खा पी लेते हैं। ओके, सो सिबिन ने ये दो बड़े बड़े पिज्जे भी साथ में ऑर्डर किए हैं और मैं कैसे खाऊंगी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं बिल्कुल भूख नहीं लग रही। दो पिज्ज़ा ऑर्डर किए हैं खाने में, एक पार्सल करवाएंगे ना? हाँ सही है, वहाँ पर फैशन स्ट्रीट में ना शॉपकीपर के खिलाएंगे, वही सही रहेगा। हाँ सही है ना, सिबिन हम ट्रेन में जब वापस जाएंगे ना तो खाते भी जाएंगे। तो अब हम निकल पड़े हैं फैशन स्ट्रीट की तरफ। फैशन स्ट्रीट यहाँ से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में है, वैसे ही वीडियो में तो हम लोग पहुँच चुके हैं। तो देखते जाइए कि ये शॉप्स कितनी दूर तक इसी तरह से रोड के किनारे किनारे लगी हुई हैं। कम से कम 4-4.5 किलोमीटर तक की दूरी में आपको इसी तरह से दुकानें दिख जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बैग्स हैं इनकी कीमत है 200 रुपये। बैग्स काफ़ी अच्छे हैं, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। यही बैग्स आपको मलाड में या फिर गोरेगांव स्टेशन पर हो सकता है कि आपको 250-300 की भी रेंज में मिले, लेकिन यहाँ पर आपको 200-200 में काफ़ी अच्छे बैग्स मिल जाएंगे। इवन आपको बड़े बैग भी इससे आपको 300-350 की रेंज में अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो ये जो आप जीन्स टी शर्ट्स शर्ट्स आप देख रहे हैं, इनमें आपको काफ़ी बार्गेनिंग करवानी पड़ेगी। और कभी कभी तो ये लोग बोलते हैं कि सिर्फ
एक दाम है, मतलब कि आपको जो आपको लिखा हुआ मिलेगा आपको सिर्फ उसी रेट में देंगे। लेकिन अगर काफ़ी लेट हो रहा होता है, यानी कि 9-10 बज रहे होते हैं, तो ये लोग कम से कम में भी लगा कर दे देते हैं। ये जो बेल्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको काफ़ी तरह की बेल्ट्स मिल जाएंगी और 100-100 रुपए की रेंज में मिल जाएंगी। अब यहाँ पर अब हम चलते हैं, यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें मिलेंगी। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ से क्या लेना है क्या नहीं लेना है, आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, बस आपको बार्गेनिंग करवानी आती हो। क्योंकि 200 की चीज़ ये लोग 1000 रुपए में बेचते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको बार्गेनिंग के लिए कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको जज करना पड़ेगा कि यहाँ पर आखिर ये चीज़ है कितने की। और ये जो आप देख रहे हैं वॉचेस, तो ऐसा लगता है कि डीएनजी या रोलेक्स टाइटन सब यहीं से होके निकले हैं। आपको बहुत, ये जो आपने एक शॉप देखी है, वैसे यहाँ पर काफ़ी आपको शॉप्स मिल जाएंगी वॉचेस की, या हर किसी भी चीज़ की यहाँ पर आपको हर तरह की शॉप्स मिल जाएंगी। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ की एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी कभी ये लोग पहने हुए भी कपड़े कम से कम में दाम में सेल करते हैं। और ये चीज़ आपको फैशन स्ट्रीट में भले ना मिले, लेकिन इसी से लगी हुई थोड़ी दूर में आपको एक काफ़ी शॉप्स मिलेंगी। स्टेशन से जब हम बाहर निकलते हैं चर्चगेट स्टेशन से, तो वहाँ पर आपको इसी रेंज में जैसे कि फैशन स्ट्रीट में मिलती है, उसी तरह से वहाँ भी आपको चीज़ें मिलेंगी। लेकिन वहाँ पर ऑलमोस्ट इतनी गंदी गंदी चीज़ें मिलती हैं। कुछ चीज़ें तो आपको नीट एंड क्लीन मिलेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यूज़ की हुई होती हैं, जो कि आपको घर आकर पता चलेगा, क्योंकि वो डस की होती है, उसके साथ ही साथ उस किसी की बटन गई होती है, किसी की कुछ, तो पता चलता है कि पहनी हुई भी सेल करते हैं। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आप ज्वेलरी जो देख रहे हैं, ये आपको 50-50, 100-100 रुपए की रेंज में मिल जाएंगी, जो कि बाहर आपको मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलेंगी। इसी तरह से फैशन स्ट्रीट में काफ़ी सारी शॉप्स हैं और काफ़ी सारी बार्गेनिंग भी होती है। तो आप कभी भी बॉम्बे आएँ या बॉम्बे में रहते हैं, तो फैशन स्ट्रीट एक बार ज़रूर जाइए। यहाँ पर आपको जो ट्रेंडिंग फैशन होगा आपको कम से कम रेंज में यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भी फैशन से रिलेटेड जो कपड़े होते हैं, या तो आपको बैंड्रा जो लिंकिंग रोड है वहाँ पर मिलेंगे, और या तो फिर यहाँ पर मिलेंगे, और काफ़ी सही रेंज में भी मिल जाते हैं। बस आपको ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों को कैसे ख़रीदना है, कैसे बार्गेनिंग करनी है। और कभी कभी तो क्या होता है कि ये लोग बोलते हैं कि ठीक है ठीक है, एक्चुअली हम लोग जब शॉपिंग करते हैं तो ये बोलते हैं भैया आपको इतने में देना है तो दे दीजिए, वरना ठीक है हम जा रहे हैं। फिर हम लोग ना, मेरी एक आदत है कि मैं ना पीछे मुड़ मुड़ के देखती हूँ, कभी ये बोले आ जाओ मैडम मैं आपको इतने में दे रहे हैं। रियली में मेरे साथ ऐसे हो चुका कि मैंने कभी कभी ना 100-150 रुपए के लिए भी चीज़ छोड़ दी है, लेकिन बाद में ना बहुत मुझे अफसोस हुआ कि काश कि मैं ले ली होती। अब यही चीज़ अगर हम मॉल में जाते हैं तो इतने मतलब एक बार जो प्राइस लिखा होता है वो हम लोग बिना बोले बिना बार्गेनिंग के ख़रीद लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कभी कभी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि हम लोग 100-150 रुपए की कॉस्ट के डिफरेंस के चक्कर में हम लोग नहीं बाय करते हैं। और हम लोग ने, ये एक अच्छा फन है एक्चुअली, देखा जाए ना गर्ल्स की आदत होती है कि वो छोटी छोटी कुछ चीज़ों को ना वो कम थोड़े थोड़े पैसे की वजह से छोड़ देती हैं, और वेट करती हैं कि कब शॉपकीपर आवाज़ देकर उनको बुलाए। और उनमें से एक मैं भी हूँ, कभी कभी मैं भी ये ड्रामा करती हूँ। हालांकि मुझे बार्गेनिंग नहीं आती, तो मैं जिस तरह से बोलती हूँ तो कभी वो लोग पैसे कम करते ही नहीं हैं, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश के लोग पैसे कम कर दें तो मैं भी ले लूँ। खैर, मेरी एक और भी बुरी आदत है कि जब कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं लेती ज़रूर हूँ, और हाँ उसके 3-4 राउंड लगाऊंगी, ऐसे देखती रहूँगी, लेकिन लूँगी ज़रूर। तो फिर क्योंकि मुझे फिर कोई दूसरी चीज़ जल्दी में अच्छी नहीं लगती, अगर कोई एक चीज़ एक बार में अच्छी लग गई तो मैं उसको कैसे भी करके फिर ले लेती हूँ। तो खैर, ये तो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही थी। आप फैशन स्ट्रीट जाइए, शॉपिंग कीजिए और इन्जॉय कीजिए, अच्छा लगेगा आपको, मूड भी फ्रेश हो जाता है। थोड़ा सा दूर पड़ता है एक्चुअली, जो गोरेगांव विरार साइड में रहते हैं उन लोगों के लिए दूर है, लेकिन फिर भी एक कभी भी वीकेंड में जाइए और आप वहाँ पर जाकर शॉपिंग कीजिए या घूम के आइए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप इन्जॉय कीजिए मेरा वीडियो, मैं आपको फिर से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।